Future in hands. Hi, this is Vivekananda Sinha from Future in Hands. फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऐसे पांच बेहतरीन टिप्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो शायद ही पहले कभी आपने यूज़ किया होगा, और ये पांच टिप्स ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स होंगे जो काफ़ी कम लोगों को पता होगा, ठीक है ना। सो पहला टिप क्या है कि हमारे पास कुछ एक नोटपैड में कुछ नाम लिखे हुए हैं, और इस नाम को अगर मैं वर्ड में जाके पेस्ट करता हूँ, अगर ये सारे नाम को अगर मैं वर्ड में जाके पेस्ट करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा, आप देखते हैं। कंट्रोल सी, और मैं चले जाता हूँ वर्ड में। वर्ड में जाके जैसे ही मैं इसे पेस्ट करूँगा, ये डेटा आ गया। बट अब मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर को रिमूव करने, सीरियल नंबर मुझे नहीं चाहिए। तो जनरली अगर आप अभी करना चाहोगे तो आपको एक एक करके मैन्युअली सिलेक्ट करके हटाना पड़ेगा। मैं एक बार मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा सीरियल नंबर, इसमें पूरा डेटा सिलेक्ट होगा। तो इसे कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वन के पहले कर्सर को रखूँगा और ऑल्ट बटन को प्रेस करूँगा। ऑल्ट के साथ आप माउस से ड्रैग कर सकते हैं। माउस से जैसे ही आप ड्रैग करोगे, आप देख रहे हैं सीरियल नंबर आपके लेफ्ट साइड से सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आप जाके डेटा को डिलीट कर सकते हैं। सो ये हमारा पहला टिप था। होप ये टिप आपको पसंद आया होगा, इससे काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं आप। अब चलते हैं सेकंड टिप की ओर। नाउ ये मेरे पास कुछ एक नाम लिखे हुए एक टेबल फॉर्मेट में। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो मोहित शर्मा है, ये मोहित शर्मा को मुझे, मोहित शर्मा के जो रिकॉर्ड हैं वो मुझे नीचे मूव करने हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं डेटा को, डेटा को फिर सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं, फिर नीचे जाके फिर रो इंसर्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। इस तरह से हमें मल्टी लेवल आपको टास्क करना पड़ता है, मल्टी टास्किंग आपको करने पड़ेंगे। नाउ और ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, इसमें आपके डेटा भी ऑल्टर हो सकता है, डेटा आपके गलत हो सकते हैं कॉपी पेस्ट के दौरान। हम क्या करेंगे, मुझे लेट से मोहित शर्मा को मुझे मूव करना है, तो मैं सिर्फ कर्सर रखूँगा, सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और कीबोर्ड में प्रेस करूँगा ऑल्ट एंड शिफ्ट, ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा, और डाउन एरो, डाउन एरो से मैं इसे मूव कर सकता हूँ। आप देख लो, जैसे मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये मोहित शर्मा नीचे आ रहा है। सिमिलरली अगर मुझे एक विवेकानंद सिन्हा को ऊपर ले जाना है, तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैं अप एरो कर सकता हूँ, ठीक है ना। इससे आपके मैनुअल टास्क में जो टाइमिंग लगते हैं वो बच जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं मैं थर्ड टिप की ओर। नाउ अब देखते हैं कि हम वर्ड में कुछ लाइनिंग्स को कैसे बना सकते हैं। लाइनिंग्स इन द सेंस कि हमें पूरे फुल विड्थ में हमें कुछ लाइनिंग बनाना है, कुछ स्टाइलिश लाइंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइनिंग के लिए देखिए क्या करते हैं, मैं तीन बार माइनस को प्रेस करूंगा। माइनस को जैसे ही मैंने तीन बार प्रेस किया और मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देख रहे हो एंटर प्रेस करते ही मेरा सिंगल लाइनिंग आ गया, जो काफ़ी पतली लाइनिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि मोटी लाइनिंग आए, तो मैं तीन बार अंडरस्कोर प्रेस करूंगा। मिनिमम आपको तीन बार करना पड़ेगा, आप चार बार भी कर सकते हो। एंड आफ्टर प्रेसिंग थ्री टाइम्स मैं एंटर को प्रेस करूंगा। जैसे मैंने एंटर को प्रेस किया, ये आपके थिक लाइन आ गया। तो ये थे आपके दो लाइन, दो आप अलग अलग स्टाइल। अब आते हैं थर्ड स्टाइल में। अब मैं प्रेस करूंगा इक्वल्स टू तीन बार। जैसे मैं इक्वल्स टू तीन बार प्रेस करता हूं, एंटर करता हूं, ये आपके पतली सी डबल लाइनिंग आएंगे, ठीक है ना। नाउ अब आते हैं फोर्थ वन। तीन बार मैं अंडरस्कोर, सॉरी हैश साइन प्रेस करूंगा। हैश की जैसे ही मैंने तीन बार किया, एंटर किया, तो ये स्टाइलिश आपके ट्रिपल लाइन आ गया स्टाइलिश फॉर्मेट में, ठीक है ना। सिमिलरली मैं अगर तीन बार एस्ट्रिक प्रेस करता हूँ, एस्ट्रिक मल्टीप्लाई साइन, ये आ जाएंगे आपके डॉट लाइन, ठीक है ना। और अगर आपको जिगजैग लाइन चाहिए, तो आप टिल्ट बटन को प्रेस कीजिए तीन बार एंड एंटर। तो आप देख रहे हो ये छह तरह के लाइन आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल कमांड्स। नाउ इसकी यूज हम कहाँ करते हैं, ये तो हमने बना लिया, बट देखते हैं। लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई अपना प्रोफाइल बना हुआ है या रिज्यूम बनाया हुआ है, उसमें सबसे पहले आप नाम लिखते हो अपना। नाउ इसके नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तीन बार आपके हैश प्रेस करता हूँ। जैसे हैश प्रेस किया, आप देख रहे हो विवेकानंद सिन्हा के नीचे लाइन आ गया। इसके बाद आप अपना डिटेल्स इन्फॉर्म कर सकते हैं, डिटेल्स आप इनपुट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपके कैची होंगे देखने में, और बहुत ही ईजी वे में आप बना सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नाउ बस एक टेबल है, और टेबल में मेरे पास एक सेल्स का आप देख रहे हो कुछ नंबर्स हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सेल्स का एक टोटल कुछ फॉर्मूला ऐसे लगाना है ताकि कल के दिन अगर सेल्स चेंज हो जाए या सेल्स बढ़े तो ऑटोमेटिकली नीचे टोटल आए। जनरली हम लोग ये टास्क एक्सेल में करते हैं, बट वर्ड में भी इस हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी कम लोगों को पता होता है। लेट्स सी हम कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले चले जाऊँगा इंसर्ट टैब में, कर्सर रखूँगा मैं यहाँ पर जहाँ पर मुझे टोटल चाहिए। मैं चले जाऊँगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फील्ड।
फील्ड में जाऊंगा, और फील्ड जैसे ही मैंने किया, आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर्मूला का बटन है, मैं फॉर्मूला के बटन में जैसे ही जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये आपके सम फंक्शन को यूज़ कर रहा है। सम के अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शंस, तो मैं अभी सम को यूज़ करूँगा और कर दूँगा ओके। ओके जैसे ही मैंने किया ये हमारा टोटल आ गया, आप देख रहे हो ये अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये एक्सेल के अलावा हम वर्ड में भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट चैलेंजेस कब आएंगे, लेट से मैं 21 से कर देता हूँ 50। अब आपने देखा 50 किया बट ये आपके चेंज नहीं हुआ है। तो किसी भी टाइम में अगर आप डेटा में चेंजेस करते हो और नीचे रिजल्ट में चेंज चाहिए, तो आप सिर्फ राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर और कर दीजिए अपडेट फील्ड। जैसे ही अपडेट फील्ड करेंगे ये आपके नए रिजल्ट दिखा देगा। तो ये हमारा था फोर्थ टिप। अब आते हैं लास्ट टिप की ओर। होप आपको ये सारे टिप्स पसंद आ रहे होंगे। नाउ अब ये मेरे पास एक वर्ड के एक मैंने पेज ले लिया। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब टेबल में काम करते हैं तो हमें टेबल इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है टेबल बनाने का, बट एक आज एक नया वे आउट देखते हैं जिससे हम टेबल बना सकते हैं। तो आपको टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट से कि हमें बनाना है 3 कॉलम के टेबल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर प्लस यूज़ करूँगा, प्लस टैब, प्लस टैब, प्लस टैब, प्लस। तो ये आप देख रहे हो ये तीन, मैंने 4 प्लस किया है, मतलब 3 कॉलम का आपको टेबल बना देगा। जैसे आपके 4 प्लस खत्म हो गया, जस्ट इंटर प्रेस कर दीजिएगा। इंटर प्रेस करते ही आपके 3 कॉलम बन गया। अब मुझे रोज़ में बढ़ाना है तो जस्ट प्रेस टैब, टैब आप जैसे प्रेस करोगे रोज़ में बढ़ेगा। एक बार ट्राई करते हैं कि अगर मुझे 2 कॉलम के टेबल बनाने हैं तो मैं करूँगा प्लस टैब, प्लस टैब, प्लस। तो ये 2 कॉलम बीच के बन गए, एंटर, सॉरी एंटर। अब आप रो में बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ टिप्स हमने आज कवर किए हैं। होप ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे और ये सारे टिप्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड यू विल बी बिकमिंग अ रॉक स्टार इन योर ऑफिस। ओके, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए, और ऑन नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए कृपया बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसमें आपके आगे आने वाले जितने भी हमारे पोस्ट होंगे वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। Hope you like this tutorial. Thank you and have a good day.